Hi everyone, welcome to our YouTube channel Shahan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. IGNOU से related किसी भी तरीके के updates और video के लिए हमारे channel Shahan Videos को subscribe कीजिए. IGNOU से related सबसे fast video, सबसे पहले video हमारे channel Shahan Videos पे provide की जाती हैं. साथ ही साथ अगर आप SSC, banking, UPSC या किसी भी competitive exam की preparation करना चाहते हैं तो Unacademy Plus को subscribe कीजिए. अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपके इसमें रेगुलर डाउट सेशंस होंगे जिसमें स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होते हैं वो रेगुलर टाइम टू टाइम इसमें क्लियर किए जाते हैं. साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे PDF फॉर्मेट में, जिससे स्टूडेंट का टाइम सेव होता है. और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपको ये पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे जा रही है नहीं. साथ ही साथ जो स्टूडेंट UPSC का इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है. और अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी द्वारा इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी देंगे. तो इसमें आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जिससे आपको नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करने का मौका मिलेगा. जैसे आप SSC का अगर कोई भी कोर्स SSC का इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 6,000 रुपीज़ में मिलेगा. लेकिन अगर आप मेरा कोड चौहान वीडियोस इसमें अप्लाई करेंगे कोड, तो आपको 6,000 से वो डिस्काउंट होकर 5,400 का हो जाएगा 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन. और साथ ही साथ इसमें आपको SSC के एनरोलमेंट में SSC का कोर्स प्लस सब्सक्राइब करने पे SSC से रिलेटेड जितने नंबर ऑफ कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे इस वक्त एक्सेस हो रहे होंगे, आपको सबको इसमें एनरोल करने का मौका मिलेगा. तो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करना है. तो चौहान वीडियोज़ ये कोड है, इसको आप अप्लाई करेंगे और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे अपनी तैयारी को और बेहतर करने में. इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं आज की हमारी वीडियोज़ में क्या है. हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो. सिंप्लीफिकेशन ही सीरीज़ चल रही है, Part 3 में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आज हम किस तरीके के क्वेश्चंस लाए हैं इस वाली सीरीज़ में. इस वीडियो में देखते हैं, अब एग्ज़ाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको सिंपली इनको क्या करना है, ऐड करना है. अब अगर नॉर्मल प्रोसीजर क्या है इस क्वेश्चन को ऐड करने का, बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और तब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 2 4 2, ऐसे करेंगे. टाइम लगेगा, हमें क्या करना है सिंपल, ये कितना है, देखिए नंबर सेम है ना, ये ध्यान रखना है हमें कि नंबर यहाँ पे सेम है. यहाँ पे 2 2 2 2 2 का ही सीरीज़ चल रहा है. ये नंबर कितना है, 4 है ये, ठीक है. ये कितने हैं, 3. ये कितना है, 2. और ये कितना है, 1. तो एक पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4 का, ठीक है. बीच में कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, ऐसा तो नहीं है. नंबर एक पैटर्न में चल रहा है 1 2 3 4. तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे और नंबर कौन सा है, 2. तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है. 4 नंबर थे ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिखा सिंपल, जैसे काउंटिंग लिखते हैं वैसे, और इंटू 2 कर दिया. तो ये हो जाएगा 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 आ गया. तो ये ज़्यादा इजी है या ये ज़्यादा इजी है, ये इजी है, क्योंकि ये तो सिंपल 2 2 था. मान लो नंबर 9 9 9 आ जाए, तब क्या करेंगे आप. तो इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये इसका एक पैटर्न है. आगे बढ़ते हैं, जैसे 4 आ गया नंबर, सिंपल ये कितने नंबर हैं, 4 हैं. ये कितने हैं, 3. ये कितना, 2. और ये कितना, 1. काउंटिंग नंबर बन रहे हैं, सीरीज़ बन रही है 1 2 3 4 की, ठीक है. तो 1 2 3 4 लिखा. नंबर कौन सा है यहाँ पे, 4 है, इनटू में क्या किया, 4. सिंपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 16, 4 3 12 1 13, 4 2 8 1 9, 4 1 4.
4936 ये आपका आंसर हो गया, सेकंड्स में सॉल्व हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐड करने की कि चार चार आठ चार बारह चार सोलह छः हासिल एक, फिर चार चार आठ चार बारह, बारह और एक तेरह, फिर तीन, ऐसा आपको करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 का पैटर्न लिखेंगे, जो नंबर आपको यहाँ पे गिवन है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने नंबर हैं, 5, तो ये हो गया 5। ये नंबर कितने हैं, 4, ये कितना है, 3, ये कितना है, 2, और ये 1, ठीक है। तो 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5, बीच में कोई नंबर मिसिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग बन रहा है। तो सिंपल हम वही करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा, और नंबर कौन सा है, 5, तो इनटू 5 किया, सिंपल बस मल्टीप्लाई करना है। 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 4 से 20 2 22, 2 कैरी, 5 3 से 15 और 2 17, 5 2 से 10 और 1 11, 5 1 से 5 और 1 6, ठीक है। आ गया सेकेंड्स में आंसर, आ गया 6 1 7 2 5। अगर आप इसको लेंथी प्रोसेस से ऐड करना चाहेंगे तो कितना देर लगेगा, 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, 5 हासिल 2, फिर 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 करते रहेंगे, लेकिन सिंपल इसको ऐसे करेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा वो हमने सिंपल देखा विदाउट डेसिमल, अभी जो टाइप आया है वो डेसिमल वाला टाइप है, कि अगर इसमें डेसिमल होता या डेसिमल है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए, और क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ये नंबर कितने हैं, 4, ये नंबर कितने हैं, 3, ये नंबर 2 और ये 1, तो 1 2 3 4 या 4 4 3 2 1 पैटर्न बना, तो सिंपल। अब लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये डेसिमल है, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, डेसिमल, और ध्यान रहे कि विदाउट डेसिमल अगर हम करते हैं, जब विदाउट डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सीरीज नॉर्मल चलती है, लेकिन जब हम विद डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें डेसिमल होता है तो सीरीज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। विदाउट डेसिमल में हम क्या लिखते थे, 1 2 3 4, लेकिन ये विद डेसिमल है तो हमने इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स कर देंगे तो ये कैसे लिखेंगे, फिर हम पहले हम कैसे लिखते थे, 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन अब हमें इसको रिवर्स कर देना है। अब हम लिखेंगे इसको 4 3 2 1, लिखा, नंबर कौन सा है, 4, तो इनटू में क्या करेंगे, 4, सिंपल करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, आ गया। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4 डिजिट वाला, हाईएस्ट नंबर कौन है, 4 डिजिट का नंबर है, तो डेसिमल कितने नंबर बाद लगा है, 4 नंबर बाद, तो सेम हम यहाँ पे हाईएस्ट नंबर का डेसिमल देख के यहाँ पे हाईएस्ट नंबर के डेसिमल से लगा देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1.7284, क्लियर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। शुरू करूँ, देखिए नंबर यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 कॉमन नंबर है। ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ये है 5, ये कितना है, 4, और ये 3, ये 2 और ये 1, नंबर है 5 4 3 2 1, ये नंबर हो गया, ठीक है। अब डेसिमल है तो रिवर्स में लिखेंगे, जैसे हम 1 2 3 4 5 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 5 4 3 2 1, कॉमन नंबर क्या है, 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 4 जा 20, 1 21, 5 5 जा 20, 25 और 2 27,
ये नंबर, हाईएस्ट नंबर डेसिमल कौन सा है, 5, यानी 5 के बाद डेसिमल लगाए तो यहाँ पे भी हम 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.71605। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो देखते हैं कि वो कौन सी टाइप है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपने डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में देखे होंगे, जिन जिन बच्चों ने पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एंड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। 49 का रूट क्या होता है, ये आप सब मन में करेंगे तो बिल्कुल आपको पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मन में कैलकुलेट करके सेकंड्स में इन क्वेश्चन को सॉल्व करके एकदम साइड कर देंगे। देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7, लेकिन मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए पेन से लिखूँगी 49 का स्क्वायर रूट 7। 29 प्लस 7 बताइए, 30, ये हो जाएगा 36, ठीक है। 36 का रूट 6, 36 का रूट क्या हो गया 6, एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इसको लिख के बताती हूँ आप लोगों को। देखिए 49 का रूट हो गया 7, ठीक है, फिर 29 प्लस 7 किया आ गया 36, फिर 36 का रूट हो गया 6, ठीक है। अब 19 प्लस 6 कितना हो गया 25, तो 25 का रूट आ गया 5। अब 11 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 का रूट है 4, 5 प्लस 4 करेंगे 9, 9 का रूट है 3, तो आंसर क्या आ गया 3, आंसर क्या आया 3। ये तो लेंथी मेथड है, मतलब मैंने लेंथी मेथड नहीं है, मींस मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए मुझे ये सब यहाँ पे स्टेप्स जो हैं लिखने पड़े, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करी। आपको कैसे करना है वो देखिए, कैसे आपको सिर्फ माइंड गेम करना है, बिल्कुल माइंड में सॉल्व करना है क्वेश्चन। 5, 11, 19, 29, 49 हुआ, आपको कैसे सॉल्व करना देखिए मन में। 49 का रूट 7, 29 7 36, 36 का रूट 6, 19 6 25, 25 का रूट 5, 11 5 16, 16 का रूट 4, 5 4 9, 9 का रूट 3। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है वैसे ही, 169 का रूट 13, 108 प्लस 13 121, 121 का रूट 11, 38 प्लस 11 49, 49 का रूट 7, 57 प्लस 7 64, 64 का रूट 8, 8 प्लस 8 16, 16 का रूट 4, तो आंसर क्या आ गया 4। माइंड में कैसे करेंगे, सिंपल वैसे ही जैसे हमने पहले किया। ये क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से, ठीक। देखिए कैसे कैसे हमने सॉल्व किया माइंड में विद इन सेकंड्स। 169 का रूट 13, 108 प्लस 13 121 का रूट 11, 38 11 49 रूट 7, 57 प्लस 7 64, 64 का रूट 8, 8 प्लस 8 16 रूट 4, आ गया आंसर 4। यही है हमारा आज का क्वेश्चन जो हमने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अब दूसरे पार्ट्स की तरफ पढ़ते हैं। और इसी तरीके का सिंप्लीफिकेशन का ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा टाइप नहीं है जो मैं इसमें छोड़ूंगी। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब इसमें सॉल्व करवा दूंगी। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको सबकी ट्रिक पता चल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कुछ डाउट हो या वीडियो